तो दोस्तों आज हम प्रेम के बारे में बात करेंगे कि प्यार क्या है और कैसे अट्रैक्ट होता है। दोस्तों प्यार की शक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी को जानते हो या नहीं। कोई इंसान आपका दोस्त है या दुश्मन, आप जैसा सामने वाले इंसान को प्रेम देते हो बदले में वो भी आपको प्रेम ही देगा। जब आप दूसरे इंसान को प्यार करते हो तब आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, आपको वैसी लाइफ मिल जाती है जिस लाइफ के आप हकदार होते हैं। अगर आप किसी के लिए अपने अंदर नेगेटिव बात रखते हैं या किसी को नेगेटिव थॉट्स देते हैं तो वो आपकी लाइफ में कई गुना होकर लौटती है। लोग सोचते हैं जब सामने वाला इंसान उनसे प्यार करेगा तभी हम उसको प्यार करेंगे, और लोग ये भी सोचते हैं कि सामने वाला इंसान उनसे नफरत करता है इसीलिए वो भी उससे नफरत करते हैं। हम कभी कभार ये भी सोचते हैं कि हम अपने चाहने वाले इंसान के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि वो इंसान हमारे साथ मौजूद है, हम बिलीव करते हैं कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, हम एक दूसरे के साथ अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन ये सब बिलीव्स करने के बाद भी हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता? सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक यूज करने के बाद भी हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो दोस्तों यूनिवर्स का एक दूसरा लॉ होता है, हम किसी चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उस चीज को कोई दूसरी एनर्जी हमसे दूर ले जाती है। दोस्तों वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये सब बात पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब हमारे साथ ऐसा होता है तो वो हमारे भले के लिए ही होता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी चीज़ को करने जाते हैं लेकिन इसी वजह से वो काम नहीं होता और आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि अगर आप वो काम कर लेते तो आपका नुकसान हो जाता। हमारे साथ प्यार में भी ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हम अपने चाहने वाले इंसान को अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन वो इंसान उतना ही दूर चले जाता है। मैं इससे पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो एग्जांपल मैंने लिया द सबकॉन्शियस माइंड की बुक से। दोस्तों एक बार एक औरत एक इंसान से प्यार करती है और वो उस इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, और शादी होने से पहले उसको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं कि उसकी शादी टूट गई है, वो लड़का और लड़की अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो शादी कर लेती है। लेकिन जिस दिन वो शादी करती है उसी दिन उसका पति मर जाता है और वो लड़की बहुत दुखी होती है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों बाद में पता चलता है कि लड़का शराबी है और ड्रग से एडिक्टेड था, और उससे भी पहले उसकी काफ़ी शादियां टूट चुकी थी। ये सब बात सुनकर लड़की सोचती है कि उसके साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। हमारे साथ भी ऐसा होता है, किसी लड़की या लड़के से प्यार करने के बाद भी हमें लड़की नहीं मिलती, और वो इसीलिए क्योंकि ब्रह्मांड का दूसरा नियम उस काम को करने से रोकता है, क्योंकि ब्रह्मांड को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसीलिए अगर आपको अपना मनचाहा इंसान नहीं मिलता तो उसको छोड़ दीजिए। ब्रह्मांड का दूसरा नियम है रिलीज, मतलब कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो उस काम को कुछ समय के लिए फ्री छोड़ दीजिए और आपको बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके बहुत एफर्ट्स के बाद भी वो इंसान नहीं मिलता तो उसको छोड़ दीजिए, आपको बाद में ये लगेगा यार जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। दोस्तों दूसरी जो टेक्निक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन। दोस्तों आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब कि आपको उस इंसान के बारे में सोचना है जिसको आप चाहते हैं। दोस्तों हमारे दिमाग में दिन भर में बहुत से विचार आते हैं और सब विचारों में हमारी एक एनर्जी लगती है, जैसे कि एक मोबाइल में एक बैटरी होती है, अगर आप मोबाइल में कुछ भी चलाते हैं तो बैटरी ख़त्म हो जाती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप काम की चीज़ पर बैटरी का यूज़ करते हैं या बेकार की चीज़ों पर यूज़ करते हैं। वैसे ही इंसानों की भी एक बैटरी होती है, आपके थॉट्स में एक एनर्जी लगती है, अगर आपके सारे थॉट्स उस इंसान के लिए है जिसको आप चाहते हैं तो वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर वो इंसान जिसको आप चाहते हैं उसकी भी वही फीलिंग्स हैं जो आपकी, तो बहुत ही कम समय लगेगा उस इंसान को
आपकी लाइफ में आने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन। आप ये इमेजिन कीजिए कि आपने उस इंसान को पा लिया है जिसको आप चाहते हैं। अब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वही चीज़ आपको अब करनी है। आप विजुलाइज करते हैं कि आप उस इंसान के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं, आपको खुशी मिलती है उस इंसान के साथ जिस इंसान के साथ आप रहना चाहते हैं। वही चीज़ें आपको इमेजिन करनी है। जब आप बार बार इन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हो तब सबकॉन्शियस माइंड को उन चीज़ों को रियल लाइफ में क्रिएट करनी ही होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर को मना नहीं कर सकता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ना करने की ताकत नहीं होती। आप सबकॉन्शियस माइंड को जो बोलते हैं वो उस चीज़ को रियल लाइफ में कर देगा। अगर आप ये सब चीज़ करते हो और इसके बावजूद भी वो इंसान आपको नहीं मिलता जिससे आप प्यार करते हो, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्रह्मांड आपके साथ है, वो भी चाहता है कि आपके साथ जो भी हो अच्छा हो। इसीलिए अगर आपको वो इंसान नहीं मिलता, उस इंसान को जाने दीजिए और अपने आप को उस विचार से फ्री कर दीजिए। जब आप ये करेंगे तब आपको बाद में ये पता चलेगा कि मैंने जो भी किया वो अच्छा ही किया। दोस्तों ये टेक्निक आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, और अभी तक आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।